हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रेम सागर वर्मा आप सभी के अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ ऐसा है दोस्तों, इस टॉपिक पर है जो हम कभी सोचते भी नहीं दोस्तों इस टॉपिक पर कभी वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाया चुका हूं। दोस्तों वीडियो बनाया ना, पर्सनली वीडियो तो नहीं बनाया, लेकिन उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है इस बारे में। दोस्तों आप लोग की दिक्कत यही है दोस्तों कि आप लोग पूरा वॉच वीडियो नहीं करते, शायद हमारा वीडियो लंबी हो जाती इसकी वजह से नहीं दोस्तों, लेकिन लंबी होती है दोस्तों वीडियो तो, लेकिन वीडियो में पूरी जानकारी होती है हमारी वीडियो में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पूरी जानकारी हम चाहते हैं हर किसी की तरफ, कि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अपनी शॉर्ट जानकारी से शॉर्ट देकर दोस्तों उसमें कोई फुल जानकारी नहीं दे पाते हैं, लेकिन दोस्तों हम चाहते हैं कि अपने व्यूअर्स को कुछ भी हम जानकारी दें अपने सब्सक्राइबर को, तो हम पूरी तरह जानकारी दें, क्योंकि दोस्तों उससे खराब बड़े बड़ी वीडियो लंबी क्यों ना, लेकिन वीडियो को आज तक कीजिएगा दोस्तों। मैं दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि दोस्तों एक मेरे पास एक कमेंट आया था दोस्तों, उसमें कहा गया पूछा गया था दोस्तों कि मेरे पास 10 कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम आया दोस्तों, 10 कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम आया है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम के बारे में। इसी बात उसने सवाल किया कि मेरे पास 10 कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम आया है, क्या मेरा चैनल का क्या होगा, डिलीट हो जाएगा कि मोनेटाइजेशन होगा कि नहीं होगा, कि मेरे चैनल का क्या होगा। तो दोस्तों मैं पूरी बात के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँ, जैसे मैं सारे वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों कि बस अभी तक जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, चैनल साथ ही बेल आइकन प्रेस करेगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और वीडियो और नॉलेजफुल लेकर वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आज के वीडियो को, जैसे कि दोस्तों मैंने कई वीडियो में बताया भी था दोस्तों, मैं कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम के बारे में दोस्तों मैं अलग अलग दोस्तों अलग अलग टाइप का भी मैंने वीडियो बनाया है इस पर, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम क्या होता है, और कमेटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होती है दोस्तों। मैं सारे पर वीडियो अपलोड ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ दोस्तों। मैं बता दूँ कि जब जिस सब्सक्राइबर ने जिसने मुझे मैसेज कमेंट किया दोस्तों, मैंने उसको तो दोस्तों मैं चाहता था मैं उसी तरह मैं उसको अपना उसको रिप्लाई देकर मैं उसको बात को बोल सकता था, लेकिन दोस्तों मैं उसको भी फिर भी ना इस चीज़ को समझ में आता, क्योंकि दोस्तों मैं मानता था शायद इस कमेंट से रिप्लाई से एक मैसेज हाँ या ना से समझ में नहीं आने, और क्योंकि हाँ में ना में भी कंफ्यूजन होता है, तो मैं पूरा कंफ्यूजन दूर करना चाहता हूँ दोस्तों। मैं एक बार और भी ये चीज़ बोलूँगा कि आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम दो प्रकार का होता है। कॉपीराइट स्ट्राइक और क्लेम क्या होता है, जैसे कि दोस्तों मैंने बता चुका हूँ कि कॉपीराइट या किसी के अदर कंटेंट का हम यूज करते हैं, ऑडियो वीडियो किसी भी तरह का हम किसी भी यूज करते हैं, तो जिसके भी कंटेंट का हम यूज करते हैं खुद का कंटेंट उसमें नहीं होता है, या बोले दोस्तों किसी का एक भी सेकेंड का भी कंटेंट यूज किए होते हैं, तो उसको मैं वो ऑनर जिसका उस कंटेंट का जो ऑनर होता है वो चाहे तो उसको आप पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगा सकता है दोस्तों। ये होती है कॉपीराइट स्ट्राइक जो स्ट्राइक, और दोस्तों स्ट्राइक लगने पर क्या होता है दोस्तों मैं बता दूं, कॉपीराइट स्ट्राइक मैं क्लेम की बातें नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, कॉपीराइट स्ट्राइक दोस्तों, कॉपीराइट अब स्ट्राइक आपको 3 महीने में 3 क्लेम लग गया तो दोस्तों आपका चैनल 7 दिन के अंदर टर्मिनेट कर दिया जाता है दोस्तों, 7 दिन के अंदर टर्मिनेट कर दिया जाता है। और सबसे पूछा गया दोस्तों मैं क्या मेरा चैनल डिलीट हो जाएगा, मैं कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम है, तो मैं दोस्तों बता दूं ऑलरेडी कि मैं दोस्तों उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक क्लेम है दोस्तों। अब मैं बता दूं क्लेम है आप पर तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि दोस्तों कॉपीराइट स्ट्राइक में जो क्लेम होता है वो दोस्तों स्ट्राइक और क्लेम में दोनों अंतर होता है। क्लेम क्या होता है दोस्तों, किसी का हम आइडियो या बड़ी कंपनी के यूज गाना सॉन्ग को हम लोग जो यूज कर लेते हैं दोस्तों, उसमें हमको क्लेम आता है। जैसे दोस्तों मैंने जैसे बताया ऑटोमेटिकली क्लेम और मैन्युअली क्लेम, दोस्तों ऑटोमेटिकली क्लेम जो आ जाता है, जैसे हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं कोई सॉन्ग हम लोग उसमें डाले होते हैं, तो उसका हमको यूट्यूब तुरंत मेल करता है कि इस कंपनी का मैं कंटेंट और इंक्लूड द कॉपी क्लेम में कॉपीराइट क्लेम कर हमको मेल कर देता है, तो इसी दोस्तों इस तरह से होता है। और मैनुअली क्या होता है दोस्तों, मैनुअली होता है कि जब कुछ दिन हमारा वीडियो चलता है, वीडियो वाई यूट्यूब पर कुछ दिन हमारा वीडियो चलता है, अच्छे खासे व्यूज आने लगते हैं, फिर उस पर हम लोग को कॉपीराइट अलग से मैनुअली क्लेम आ जाता है, जो उससे जो उसका ऑनर होता है उसका क्लेम देता है। और दोस्तों इसकी बात रही कि क्लेम आने से दोस्तों, क्लेम दो प्रकार का होता है, या तो उसकी इनकम जो होने वाली है जो क्लेम की वो सारे उस ऑनर को जाने वाली, या तो आप उससे कन्वेंस किए होंगे तो आपका जो रेवेन्यू जितनी होने वाली वो 50-50 हो जाएगी, जिससे आपको भी रेवेन्यू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं, आप पे कॉपीराइट क्लेम है तो आप पे 10 रहे या 20 रहे, कॉपीराइट क्लेम की वजह से कोई के चैनल पर इफेक्ट नहीं पहुंचने वाला है, ना कि आपका यूट्यूब चैनल डिलीट भी नहीं होने वाला। इससे नहीं घबराने चाहिए कि मेरा कॉपीराइट क्लेम आ गया दोस्तों। कॉपीराइट स्ट्राइक आप बस ध्यान दीजिए, कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम ये दो तरह के होते हैं दोस्तों। स्ट्राइक में दोस्तों आप जब करें 10 चैनल 10 मेरा क्लेम आ गया तो मेरा 10 स्ट्राइक आ चुका है, मैं दोस्तों स्ट्राइक भी तो दो प्रकार का हो गया, तो मत कीजिए तो 10 स्ट्राइक दोस्तों। कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आपको 10 आएगा ना
तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे चैनल टर्मिनेट, तीन कॉपीराइट स्ट्राइक आने से चैनल टर्मिनेट हो जाता है। आप तो सर 10 कॉपीराइट की बात करें, 10 देखिए क्लेम की बात की, क्लेम क्लेम कभी नहीं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। दोस्तों आप कहेंगे क्लेम कैसे खत्म करें, दोस्तों क्लेम ऑटोमेटिकली आप खत्म कर सकते हैं, उस वीडियो को डिलीट कर देंगे तो क्लेम ही नहीं रह जाएगा, तो वीडियो ही नहीं रह जाएगा, तो क्लेम कैसे रह जाएगा। तो दोस्तों यही सी छोटी सी इन्फॉर्मेशन तक आप तक पहुँचानी थी दोस्तों। आई होप दोस्तों आपसे इस वीडियो से बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा। तो दोस्तों जो भी आपको नहीं समझ में आएगा दोस्तों, ये चीज़ भी हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं दोस्तों। और अभी किसी भी तरह के यूट्यूब तरीका टिप्स की तरह से किसी भी समस्या के आप मैं कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दे दूँगा, तो उसको वहाँ भी रिप्लाई दूंगा, या तो पर्सनली दोस्तों अलग से वीडियो बना दूंगा या रिप्लाई मैं दूंगा। ये है दोस्तों, मैं 100% रिप्लाई देता हूँ। तो अपने दोस्तों मैं आप लोगों को सभी बातें क्लियर होगी। तो दोस्तों अब वीडियो भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करिए दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको सबको मिल पाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।